हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप यू आर आर डूइंग ग्रेट एंड वेल सो गाइज आज मैं आपके साथ में अपना नाइट टाइम हॉनेस्ट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ मतलब कि मैं नाइट के टाइम में अपने हेयर्स के साथ में क्या क्या करती हूँ वो सब आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ सो so, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ गाइज़ जो भी दिन भर मेरे बाल बंधे हुए होते हैं पहले उनको अच्छे से ओपन करती हूँ एंड देन फिर एक एक बाल करके डिटेंगल करती हूँ उनको अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी और भी ढेर सारी वीडियोस, मेकअप से रिलेटेड स्किन केयर से रिलेटेड आप तक टाइम टू तो टाइम पहुँच पाए सो फर्स्ट स्टेप मैं करती हूँ अपने हेयर्स को डिटैंगल सो so, मैं डायरेक्ट कॉम यूज़ नहीं करती हूँ पहले मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से इनको सुलझाती हूँ ताकि प्रेशर मेरे पे ना पड़े जब तो इनको डायरेक्ट कॉम की हेल्प से ऐसे सुलझाएँगे तो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी होगा तो अच्छे से मैंने फिंगर की हेल्प से बालों को अच्छे से सुलझा लिया एंड देन अब मैं यूज़ करती हूँ कॉम तो आपको सबसे पहले ऐसे बालों को हाथ में पकड़ के धीरे धीरे रिटैंगल करना है ताकि स्कैल्प पर प्रेशर ना पड़े और जैसे ही स्कैल्पे प्रेशर पड़ता है जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हेयरफॉल ऑटोमेटिक अपने आप होता है तो पहले आप नीचे से स्टार्ट करें हेयर कॉम करना एंड देन स्कैल्प से एंड आपको कॉम्बिंग ज़रूर करनी चाहिए नाइट टाइम में क्योंकि नाइट टाइम में ओवर नाइट अगर हम बालों को अच्छे से कॉम करके रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड काफ़ी हद तक हमारी जितनी भी हेयर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं कॉम करे हुए हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड मेरा हेयर फॉल आप खुद देख लो बहुत ज़्यादा कम होता है एंड मैंने कल हेयर वॉश किया था कल से मैंने बिल्कुल भी कॉम नहीं किया था तो आज इतना हेयर फॉल हुआ बल्कि होता ही नहीं है तो ये मैंने कल के धोए थे बाल और आज मैं नाइट में वॉश कर रही हूँ एंड बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वैसे हमें कॉम एक दिन में दो बार जरूर करना चाहिए बट मुझे टाइम इशू है ज्यादा तो इसलिए मैं नाइट में ज़रूर कॉम करके सोती हूँ जिस तरह हमने उस साइड बालों को सुलझाया वैसे ही हम इस साइड भी अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे एंड आप खुद देख लो इस साइड भी बहुत कम हेयर फॉल हुआ है और ऐसे जाने से बाल बहुत कम टूटते हैं एंड अगर आप ये स्टेप नाइट टाइम रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगे अपने हेयर्स में सो so, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे मसाज जरूरी नहीं है गाइज अगर हम ऑयलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी हेयर मास्क वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तभी हम मसाज करेंगे हम नॉर्मली भी मसाज कर सकते हैं जैसे नाइट में जब हम थक जाते हैं तो ऐसे लेटे लेटे भी मसाज कर सकते हैं तो मैं कभी कभी बेड पर ऐसे लेट के मसाज कर लेती हूँ इनवर्जन मैटर की ऐप से भी कर लेती हूँ और फिंगर टिप्स की हेल्प से ही मसाज करना आपने उन... आपको नील्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है तो अच्छे से मैं मसाज करूँगी इन्वर्जन मेथड की हेल्प से और ऐसे लेट लेट के भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रिलैक्सिंग फील होता है और कुछ टाइम अगर हम अपने लिए निकालते हैं पूरे दिन में पाँच से दस मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं कभी कभी ऐसे लेट लेट के भी मसाज करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है क्या प्रिपरेशन करनी है तो बहुत अच्छा लगता है ख़ुद को टाइम देना तो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है ऑयलिंग सो so, मैं डेली ऑयलिंग नहीं करती हूँ मतलब कि ऑयल हमेशा अपने हेयर में नहीं रखती हूँ बस्ट हल्का सा मैं जो ड्राइनेस होती है विंटर की वजह से जो फ्रिक्शन होती है बालों में बस उसको कम करने के लिए मैं अपने लेंथ पे ऑयल अप्लाई करती हूँ और मैं ऑयल उल हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ या तो आप सिर्फ़ अप्लाई कर सकते हैं बट मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑलिव ऑयल थोड़ा सा नन ग्रीसी होता है ज़्यादा ऑयली नहीं होता है और ये सबसे ज़्यादा स्प्लिट सेंड के लिए वर्क करता है अगर आप लेंथ पे ऐसे ओवरनाइट नाइट हल्का सा ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है बस हल्का सा ऑयल लेके ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपके दो मुंहे बाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे जैसे मैं ले रही हूँ बस दो बार ऐसे किया और फिर अच्छे से मसाज करी हीट बनाई ऑयल में एंड देन अब अब मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी लेंथ पे तो आप देख सकते हो हेयर का टेक्सचर कितना स्मूथ लग रहा है क्योंकि मैं ये रूटीन डेली फॉलो करती हूँ और अपने लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना तो हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ सो गाइज अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे हल्का सा बालों को डिटेंगल करेंगे ताकि हम अपनी बालों में अच्छे से कोई भी लूज पोनी या फिर लूज़ ब्रेड या फिर लूज बन बना पाए तो ज़्यादा मेहनत वाले स्टेप नहीं है ये नाइट एंड नाइट में आपको कभी भी टाइट पोनी टेल नहीं बनानी है टाइट बन नहीं बनाना आप लूज़ बन बना सकते हो और आप लूज़ ब्रेड बना लो जिससे कि आप कंफर्टेबल सो पाएं और बालों को भी हार्म ना हो तो so, अच्छे से मैंने ब्रेड बना ली है गाइस तो so, यही था मेरा नाइट टाइम रूटीन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सो so, प्लीज़ आप भी फॉलो करना ये रूल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गुड नाइट